सिख फॉर जस्टिस चीफ पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा, मगर भारत उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। पन्नू अपनी दहशत फैलाने के एजेंडे से एक बार फिर गीदड़ भरी धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आपको बता दूं, उसने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जिला ऊना की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश कालिया को धमकी दी है। सीएम सुक्खू को 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराने को कहा गया है और ऐसा करने पर उन्हें बम से उड़ाने की बात कही है। यह धमकी सिख फोर्स संस्था की ओर से दी गई है। यही नहीं, 5 दिन पहले उसने पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी धमकी दी थी। आपको यह भी बता दूं कि इस बार यह धमकी भरा फोन गगरेट के कांग्रेस विधायक राकेश कालिया को आया है। यह पहली बार नहीं है कि जब हिमाचल के किसी सीएम को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को भी पन्नू की तरफ से धमकी दी जा चुकी है। खुद सीएम सुक्खू को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर भी इस तरह की धमकी मिली थी। गगरेट के कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने धमकी भरे फोन को लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी शिकायत में उन्होंने पुलिस को बताया है कि उन्होंने मंगलवार सुबह 10:04 पर फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने कहा कि अगर तूने या तेरे मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को तिरंगा फहराया तो उनके साथ वहां मौजूद सभी भारतीयों को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऊना के अम पुलिस थाना में सौंपी शिकायत में राकेश कालिया ने बताया कि फोन करने वाले का कहना था कि यह हमारा तुम भारतीयों और देश के खिलाफ हमारे युद्ध का आगाज होगा। इस दौरान विधायक राकेश कालिया ने पुलिस को यह नंबर भी दिया है जिससे उन्हें फोन आया था। राकेश कालिया ने बताया कि उन्हें 4475371715 04 फोन नंबर से धमकी भरा फोन आया था।